अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैमरा टच करेंगे Redmi Note 10 Pro का, देखेंगे कैसी क्वालिटी हमें 108 मेगा में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको जितनी पिक्चरें मैं शेयर करूँगा वो 108 मेगा से ली जाएंगी। तो चलें देखते हैं कि कैसी क्वालिटी हमें Redmi Note 10 Pro में देखने को मिलती है 108 मेगा के कैमरे के साथ में। यहाँ पर हम सबसे पहले पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगह को इसने कैप्चर किया है और आपको डिटेल काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलती है। जो सनलाइट का कलर है उसको भी काफ़ी कंट्रोल किया गया है। यहाँ पर सनलाइट एक साइड में आप देख सकते हैं, एक साइड में आपको सनलाइट नहीं देखने को मिलती। तो अगली पिक्चर की बात करते हैं, यहाँ पर वो भी बहुत आउट क्लास आपको देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि सनलाइट का जो कलर है उसको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है ये कैमरा। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 108 मेगा नाम का कैमरा, आपको डिटेल ये कैमरा बहुत ज़्यादा आउट क्लास फराम करता है। नेक्स्ट पिक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कैमरे की जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी बनाई गई है कि आपको ज़्यादा दूर से भी अगर आप पिक्चर कैप्चर करते हैं तो आपको डिटेल काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है इस फ़ोन में। पिक्चर की बात करते हैं, यहाँ पर आप अगर फ्लावर के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको एक ग्रीन कलर का एक ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिलता है जो कि फ्लावर को कैप्चर कर रहा होता है और आपको डिटेल काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अगली पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर सनलाइट को ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। अगर आपके फ़ोन के ऊपर सनलाइट पड़ रही है और आप पिक्चर ले रहे हैं तो आपकी जो सनलाइट है वो डिस्टर्ब नहीं करती आपकी पिक्चर क्वालिटी को। तो यहाँ पर सनलाइट को ये कैमरा बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है, तो काफ़ी अच्छा काम किया गया है Xiaomi की तरफ से। यहाँ पर अगली पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डिटेल यहाँ पर आउट क्लास आपको देखने को मिलती है। ये जितनी पिक्चरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये तमाम मैंने 108 मेगा से ली हैं, तो आप देखें कि काफ़ी खूबसूरत लुक और डिटेलिंग हमें देखने को मिलती है इस कैमरा में। तो आपको बहुत आउट क्लास पिक्चरें ये फ़ोन फराम करता है। अगर आप 108 मेगा से तमाम पिक्चरें लेते हैं तो आपको डिटेलिंग बहुत ज़्यादा आउट क्लास देखने को मिलती है। तो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया गया है। कैमरे पर Xiaomi का कुछ अर्सा पहले फोकस नहीं होता था, लेकिन अब कैमरे में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फोकस कर लिया है और आपको कैमरे भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं अब Xiaomi के फ़ोनों में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सनलाइट को कैसे ये फ़ोन मैनेज करता है। तो यहाँ पर आप जितनी पिक्चरें देख रहे हैं मैंने तमाम पिक्चरें 108 मेगा से ली हैं, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो सके कि 108 मेगा कैमरा आपको मुकम्मल डिटेलिंग फ्राहम करता है। तो यहाँ पर अगर हम सेल्फ़ी की बात करें तो आपको सेल्फ़ी यहाँ पर 16 मेगा का देखने को मिलता है, लेकिन सेल्फ़ी आउट क्लास आपको देखने को मिलती है इस फ़ोन में, क्योंकि 16 मेगा नाम का ये कैमरा है लेकिन काम ये 32 मेगा से भी ज़्यादा अच्छा करता है। आपको डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है और आपको जो डिटेल के साथ इसके जो कलर हैं, कलर क्वालिटी है, वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ये कैमरा मैनेज करता है सेल्फ़ी में भी। तो यहाँ पर कैमरे बहुत ही आउट क्लास है मेरे ख्याल से। अगर आप इस फ़ोन के कैमरे को किसी और फ़ोन के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो भी बहुत जल्द ले आऊँगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।